हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 की वैकेंसी जो आने वाली थी कांस्टेबल की, वो आ गई है और ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अभी अभी आया है 16 नवंबर 2018 का, ठीक है। तो ये आपको अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को अपने सभी ग्रुप में शेयर करिए। और जो नए हैं दोस्त, अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के लिए, जो ये वैकेंसी निकली है। करीब करीब आपकी 50,000 वैकेंसी है। देखिए, मतलब अगर हम मैं बोलूँ 50,000 वैकेंसी, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है किसी भी स्टेट पुलिस के लिए, ठीक है। और शायद ही आज से पहले इतनी बड़ी वैकेंसी किसी भी स्टेट में पुलिस की निकली हो, तो और ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो आपके पास एक बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अब की बार, मतलब जॉब लेने की। और ये केवल यूपी पुलिस, जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, ये अदर स्टेट वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 31,660 आपकी आरक्षी नागरिक पुलिस की है और 18,208 आपकी ये है, ठीक है। तो आप पूरी डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा चार्ट पढ़ सकते हैं। मैं इसकी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अभी थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आपका जो 11 और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 11 बजे से आपका लाइव टेस्ट भी है, लाइव टेस्ट लगाइएगा, उसमें भी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, प्लस मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ इसमें। डेट है आपकी यहाँ पे, देखिए 19/11/2018 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, वो 8/12/2018 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क है वो भी 8/12/2018 तक आप भर सकते हैं, और ऑफलाइन जो ई चलान आवेदन शुल्क जमा करने की, वो लास्ट तारीख है आपकी 10/12/2018। तो ये तिथि है, वो वैकेंसी थी, मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए। और देखिए यहाँ पे फीस की अगर मैं बात करूँ, तो फीस आपकी सभी के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है, चाहे कोई जर्नल से है, ओबीसी से है, या SC ST से है, किसी से भी है, तो सभी को 400 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ मुझे लग रही है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वैकेंसी का मतलब बेसब्री से इंतज़ार होगा। और मैं आपके लिए यहाँ 19 तारीख से, यहाँ पे क्या लिखा है, 19 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 19 या 20 से तारीख से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ये चीज़ आप लिख लीजिए। तो दोस्तों प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए और मैक्सिमम बच्चों तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए, यही मेरा आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। और वही आपको क्वालिफिकेशन सभी को पता है कि 12वीं पास होना चाहिए, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है। इसमें आपका किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप चाहे मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, ठीक है, गुजरात से, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर फॉर्म को भरिएगा, कुछ नहीं पता होता कभी कहाँ पे आपका नंबर पड़ जाता है। कई बार क्या होता है, अपनी स्टेट में नंबर नहीं पड़ता है पुलिस में, बट दूसरे स्टेट में पड़ जाता है। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब अगर आपको एक बार मिल जाती है, तो फिर बहुत मतलब लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि मेहनत करिए, और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं एज की बात करूँ, एज का भी बहुत बड़ा इशू यहाँ पे था कि एज कितनी चाहिएगी, तो यहाँ पुरुषों अभ्यर्थी के जो के लिए एज यहाँ पे चाहिएगी 1/7/2018 से, 1/7/2018 को, यानी कि उसकी 18 साल एज हो जानी चाहिए और 22 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए, अथवा यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 जुलाई 1996 से पहले पहले की तिथि उसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 2 जुलाई 1996 पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। देखिए ये डेट है आपकी, आप इससे पहले पहले यहाँ पे, यानी कि इसके बाद 2 जुलाई 1996 के बाद आप होने चाहिए, ठीक है, इससे पहले नहीं होने चाहिए, और 1 जुलाई 2000 से पहले पहले होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। ये आप डेट यहाँ पे नोट कर लीजिए, अगर आप इसके बीच में आते हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है कि मेरी एज यहाँ पे मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, सौरभ मलिक सर्च करिएगा, वहाँ पे आप मेरे से मैसेज करके पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप टॉपिक स्टडी सर्च करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ज्वाइन होके और मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा आपकी डेट मतलब लाइक करती है, इसके बीच में नहीं कर सकती है, ठीक है। तो डेट एक बार और देख लीजिए यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लीजिएगा अपनी एज क्या है।
महिलाओं के लिए भी यही है आपकी, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, इसके इससे पहले नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 1993 के बाद का होना चाहिए और 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए, 2000 से पहले पहले का होना चाहिए, 1 जुलाई 2000 से पहले पहले की एज होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी यही आपका यहाँ पे है, यानी कि मैं बात करूँ तो महिलाओं के लिए 25 वर्ष है, जनरल वालों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और जो लड़कों के लिए है वो 22 साल की एज यहाँ पे रखी गई है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी जो आपका रिलैक्सेशन मिलता है, एज में छूट मिलती है, तो ये आपका वही है सब कुछ जो पहले मिलती थी, वो भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। दोस्तों अगर मैं लिखित परीक्षा की बात करूँ तो यहाँ पे 300 अंक की यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर होगा, और पेपर यहाँ पे अगर बोला जो बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि एक पाली या फिर एक से अधिक पाली में आपका पेपर हो सकता है, और जो कि आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्न पालियों में अथवा कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली में माध्यम से संचालित कराई जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो अभी नोटिफिकेशन में बताया गया है, ठीक है, वो एक्चुअल में कुछ चेंज भी हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, बट मैं आपको नोटिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपका कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा, 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका वही सब कुछ हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिजिकल की भी, अगर मैं बात करता हूँ तो फिजिकल में आपका देखिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिएगी, और गर्ल्स के लिए, और सॉरी एससी एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिएगी, ठीक है। और सीने का अगर मैं बात करूँ तो 79 आपका बिना फुलाव के होना चाहिए, और 84 आपका फुलाव होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। यही चीज़ अप्लाई होगी आपका 77 यानी कि एससी एसटी वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फुलाव आपका यानी कि 5 सेंटीमीटर का इन्होंने बता रखा है फुलाव होना चाहिए 82 का। तो ये आपकी हो गई। यहाँ पे महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिएगी, और एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे 147 की हाइट चाहिएगी। वजन कम से कम आपका 40 किलोग्राम होना चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर दौड़ की मैं बात करूं तो दौड़ में यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि 4.8 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आपके लिए क्वालिफाई रखी गई है 25 मिनट में, यानी कि इसका कोई मार्क्स नहीं होगा, ये क्वालिफाई है। यहाँ पे आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में पूरी करनी होगी, और गर्ल्स के लिए वही रनिंग आपकी 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 14 मिनट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ें चुन के बता रहा हूँ। अगर इसके बाद भी कोई भी आपका डाउट बचता है ना, बस आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त मतलब न्यूज़ मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, और थोड़ा सा ये एक्चुअली क्या है कि मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हर चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ मैं नहीं आपको बता पाया हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी बीच में छूटा होगा तो मुझे बता दीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग आपको 25 मिनट में करनी होगी बॉयज़ के लिए, और 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 14 मिनट में। ये सब कुछ मैं आपको नोटिफिकेशन में से ही पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे छूट की, आयु सीमा में छूट की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए तीनों के लिए यहाँ पे 5-5 वर्ष की छूट है। देख लीजिए लिखा है यहाँ पे 5 वर्ष की छूट है। यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आपके यहाँ पे 5 वर्ष, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आपकी 5 वर्ष। तो सभी के लिए आपकी 5-5 वर्ष की छूट है अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो एससी एसटी वालों के लिए तो एक ही बन जाता है, उनको नया नहीं बनवाना पड़ता है। बट यहाँ पे देखते हैं ओबीसी वालों के लिए, जो आपका रिसेंटली आपने बनवाया होगा, अभी जो वैकेंसी आई थी 2018 में ही, उसके लिए वही आपका वैलिड होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए फ़ोटो की बहुत सारी प्रॉब्लम बाद में फेस आपको करनी पड़ती है, तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आप 2 मिनट लगा के, टाइम लगा के एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी डिटेल, बाकी ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पढ़ेगा साइबर कैफे पे जो भरेगा, क्योंकि इस इन के बिना वो नहीं भर सकता है, ठीक है, कि फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, ये सब कुछ। बाकी आप ये चीज़ें पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। 9 पॉइंट ये लिखे हैं इसमें, फ़ोटो आपका कब से कब तक खींचा होना चाहिए, हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, उस पर कौन सा मतलब आप चश्मा लगा के नहीं फोटो लगाना, और आपका मतलब बहुत सारी चीज़ें, कैप लगा के फोटो नहीं क्लिक करानी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और वैसे भी यार एक चीज़ बताइए, अगर आप कोई भी वैकेंसी आई है और उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर कोई स्टाइलिश सा फोटो थोड़ी क्लिक कराएंगे, बिल्कुल सिंपल अच्छे से मतलब हल्की सी कोई शर्ट या टी शर्ट पहन के, और
हल्का सा बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे रेड कलर या कोई डार्क ब्लैक कलर, कोई भी डार्क कलर नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि पीछे बैकग्राउंड आपका हल्का होना चाहिए। ये सबसे मेन प्रॉब्लम आती है बाद में, ठीक है। तो ये आपने इनको पढ़ लीजिए। बाकी तो आपका ये सब कुछ मैंने बता ही दिया है, इसमें कुछ नहीं है अब यहाँ पे बताने के लिए। हाँ देखिए, ये लिखित परीक्षा के लिए जो पूरा सिलेबस है ना, इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये सिलेबस बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई आप कर लेते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि अगर आप पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये भी मेन चीज़ है कि क्या छोड़ना है, ठीक है ना। तो मैं ये आपका सिलेबस वाली वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, एक अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप बस इस वीडियो में तो इतना ही जान लीजिए कि जो मैंने आपको बताई है सारी की सारी रियल चीज़ें हैं। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे सारी चीज़ें मैं PDF और सब कुछ वीडियो के लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।